पता क्या कर रहा है? अरे यार कुछ नहीं किया, बाकी मैं गलत तेरी। हाँ जानी कैसे हो यार, आज तुम्हारा भाई वो प्रैंक करने वाला है जिससे जो है ना मतलब घर से भी मैं निकल सकता हूँ। और गेट बंद किया हुआ है, थोड़ा पर्सनल बात है जो कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो जानी सीन ये है, तुम्हारा भाई लेके आया एक सिगरेट। भाई जर्सी वर्सी नहीं हूँ मैं, आज प्रैंक करने वाला हूँ अपने भाई के साथ। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ सिगरेट, मजाक कर रहा हूँ यार। ये है कंप्यूटर पेपर से बनी हुई सिगरेट, जो कि यार ये थोड़ी सी जल भी गई है और खैर है और अच्छी बात है, ताकि लगे भी सही ना उनको कि हाँ भाई चलाइए, इसमें सिगरेट चर्सी बन गया है। चीज़ें पहले सही कर लेते हैं, यहाँ पे लेट जाऊँगा मैं। अच्छा तो यानी सीन ये है, अभी आदिल आएगा, अभी थोड़ी देर में नीचे गया हुआ है, वो गेम वगैरह खेलता है, मोबाइल भी अभी उसने अपना चार्ज लगाया हुआ है। तो गेम वगैरह जैसे ही खेलने आएगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा जा भाई माचिस ले गया चौड़े में, बड़ा भाई हूँ बोल सकता हूँ, या भाई माचिस लेके आए, माचिस लेके आएगा वो, सही है। उसके बाद जो सीन स्टार्ट होगा वो अल्लाह जाने क्या होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बाहर मेरे अब्बू बैठे हुए, बाहर मेरा बड़ा भाई जानदेव बैठा हुआ है जो कि मेरा कज़न है, कज़न ब्रदर, वो बैठा हुआ है, कोई बातचीत चल रही है। तो अब सीन ये है, भाई भाई सीन ये है यानी थोड़ी देर में आदिल जैसे ही आता है तो मैं आपसे मिलता हूँ, जब तक मैं अपना कैमरा वगैरह सेट कर लेता हूँ, बिल्कुल VIP लोकेशन। तो खैर यार आओ कैमरा पहले यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। सही आ रहा हूँ, इस सारी जगह नजर आ रही है। मैं इसका वही मोबाइल उठाऊं, गेट बंद क्यों किया हुआ? हाँ गेट बंद क्यों किया हुआ? वैसे यार वो गाने लगाने हैं ना। अरे भाई मगरिब का वक्त है, तुम अभी गाने चला दे। ये लो तुम्हारा मोबाइल। अच्छा एक काम करो, पानी भी लेके आओ और माचिस भी लेके आओ। माचिस क्यों? हाँ आ रही है, जल्दी जा, बहस नहीं करो। अरे बताओ तो। जल्दी जाओ, बहस नहीं करो, जल्दी जाओ। फजूल की बहस नहीं किया करो मेरे साथ। अब उसको बोलूंगा कि भाई अब जला के भी दे। नहीं बैठा रहे, चुप करके ले मोबाइल चला अपना, चल बैठ इधर।
कॉल नहीं करियो किसी को, मैं तुझे बोल रहा हूँ, कॉल की तो तेरी मौत होगी फिर। अरे नहीं किसी ना किसी को लेके आएगा। तीलिया भी भेजते ऐसा जबरदस्त किस्म का बन जाएगा कि उसमें मेरे अब्बू भी आ जाएंगे जो आज तक व्लॉग में ही नहीं आए। आप लोग शुरू से देख लें मेरे व्लॉग, आज तक मेरे जो अब्बू हैं वो व्लॉग में आए नहीं। तो अभी भी बड़ी मुश्किल से मैंने परमिशन दी है कि मैं आपको ले लूँ। उन्होंने बोला देख लो, उन्होंने बोला फेस पे कोई इमोजी लगा देना। अच्छा मैं वो बड़े हैं ना, बुढ़ापा है तो उनको शायद अच्छा नहीं लगता वीडियो में आना। तो खैर मुश्किलों से मैंने मनाया है और व्लॉग बड़ा मज़े का बना, आप लोगों ने देखा होगा यकीनन। और जो मेरी हालत हुई है, जहाँ से भाई का एक मुक्का लगा है मुझे इधर सड़ूँ ऐसे मारा, मैं क्या बताऊँ, बड़ा गंदा मुझे मुक्का लगा है। और अब्बू के जूते अभी तक भी निशान है माशाल्लाह से, अभी कमर
दर्द कर रही है, लेटा नहीं जा रहा, कब से बैठा हूँ। तो अभी जानी सीन ये है, कोई सीन नहीं है, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके चले जाओ, सही है। और कभी भी अपने घर वालों के साथ इस तरह के प्रैंक नहीं करना, क्योंकि यार वो आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा ऐसा है। और जब तुम ना उनके साथ सिगरेट वाला प्रैंक करो तो वो तो जाहिर सी बात है शुगर तो अब जाएगी ना भाई। तो मिलते हैं यार इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।